हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर। इम्पोर्टेंट है, देखिए आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन बुक्स से ही पूछे जाते हैं, 6 से 12 तक की बुक जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप लोगों को जब ये पता लगता है जब बहुत देर हो जाती है। स्टार्टिंग से ही मैं ये चीज बहुत बार बोल चुकी हूँ, जो भी स्कूल में बुक चल रही होती है उनका सहारा देकर ही आप लोग जो है नोट्स बनाए, उन्हीं से जो है वो पढ़ाई करें। तो आरंभिक नगरों की बात हम करेंगे आज कि सबसे पहले आरंभिक नगर जो है कहाँ पर हमें मिले। तो हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो कि एक नगरीय व्यवस्था थी। तो बिल्कुल आंसर हमें यहीं पर मिल जाता है कि आरंभिक नगर की जो खोज है वो कहाँ हुई थी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे। तो ये जो जसपाल और हरप्रीत हैं, ये अपने घर के पास जो है वो गली में क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक इनको खंडर दिखता है जिस खंडर की लोग तारीफ कर रहे होते हैं, ठीक है। और गली के बच्चे उसको क्या कहते हैं, बुधा घर, यानी पुराने जो खंडर होते हैं पहले के बने हुए जिसमें कोई भी नहीं जाता है, तो इसको बुधा घर कह रहे थे, ठीक है। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नकाशी देखी है। तो दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यानी ये बहुत पुराना खंडर है और इसे जो है हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इसमें जो नकाशी हुई है, जैसे कि हम ताजमहल में देखते हैं, लाल किला में देखते हैं, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार जो है वो बहुत कार्य करती है। इसी तरीके से जो है ये आम बात जो है ये हो रही थी, ठीक है। तो यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। तो ये सबसे पहला नगर स्थल था जिसकी खोज हुई थी। इसकी कहानी क्या थी, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो कहां पर था, आधुनिक पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट लाइन होगी कि हड़प्पा जो पुरा स्थल मिला वो कहां मिला, आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी, तो यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें जो है वो उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें जो है वो पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो जो इंजीनियर थे, तो उनका तो कोई काम इस तरीके का नहीं होता है कि वह कोई भी चीज मिल रही हो तो उस पर खोज करें। तो इनका काम क्या था, केवल रेलवे लाइन बिछाना, ठीक है। तो उसके लिए जो है ईंटें जो है उन्होंने उखाड़ी, ठीक है, ताकि रेलवे लाइन जो यहाँ बिछाई जा सके। तो कई इमारतें जो है पूरी तरह नष्ट भी हो गई। उसके बाद जो है 80 साल पहले पुरातत्वविद आए। अब पुरातत्वविद जो होते हैं उनका क्या काम होता है, चैप्टर में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि पुराने जो तत्व होते हैं उनको जो है वो खोजना, ठीक है। तो उन्होंने जो है यहाँ पर खोजा और यहाँ एक स्थल जो है वो ढूंढा। इन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो है लोग रहे होंगे। तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, यानी यहाँ पर एक नगर था। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा स्थल की इमारतें कहा गया। यानी उसके बाद जो भी यहाँ पर पुरा स्थल में इमारतें या चीजें मिली तो उसको क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें, ठीक है। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। तो ये जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन हो गई कि हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें जो थी, जो शहर जो था, उसका निर्माण कितने साल पहले हुआ, तो 4700 साल पहले हुआ। अभी तक की यही इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इन नगरों की विशेषता क्या थी, तो इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो थी, यहाँ पर नगर जो थे वो कितने भागों में डिवाइड थे, दो भागों में डिवाइड थे, ठीक है। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था, तो पश्चिमी कौन सा होता है, हमें पता है कि ये जो है ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये जो भाग था पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, ठीक है। इस तरीके से जो है
यदि देखें इस तरीके से यह ऊंचाई पर बना हुआ था और पूर्वी हिस्सा जो है वो बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। तो यहाँ निचले इलाके में जो है पूर्वी जो है हिस्सा था, ठीक है, यहाँ पर जो कि बड़ा था और यहाँ पर जो है वो आम जनता निवास करती थी। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। तो पुरातत्वविदों ने ये दिमाग लगाया कि ये ऊंचाई पर क्यों बना हुआ था, इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक किले की तरह जो है वो प्रयोग में लाया गया होगा और यहाँ पर जो है आम जनता नहीं रहती होगी, विशेष लोग रहते होंगे, यानी जिनके पास धन अधिक होगा, ठीक है, इन लोगों से जो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो यहाँ पर जो है वो रहे होंगे। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया, नगर दुर्ग कहा। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमी टीला था पश्चिम, उसको क्या नाम दिया पुरातत्वविदों ने, तो वो था नगर दुर्ग, ठीक है, और निचले हिस्से को क्या कहा, इसको कहा निचला नगर। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पश्चिमी जो भाग था उसको कहा नगर दुर्ग और जो पूर्वी टीला था उसको क्या कहा, निचला नगर, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नगरीय व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की, तो उस समय कैसी ईंटों का प्रयोग किया, तो आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर जो है वो पड़ती जो पक्की ईंटें थी तो उनका प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। तो चिनाई क्या होती है ना, सीमेंट से जो होती है, तो वो इतने अच्छे से जो है की गई थी उस वक्त और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और जो है जब पुरातत्वविदों ने खोजा तब भी उनको जो है इसके प्रमाण मिले। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। तो ये भी एक और नगर मिला हड़प्पा के बाद, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर जो है खास तालाब जो है वो बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा, महान स्नानागार कहा, ठीक है। महान स्नानागार जो है वो कहाँ पर मिला, मोहनजोदड़ो में मिला। ये आपकी लाइन हो गई इंपॉर्टेंट। इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो महान स्नानागार था, जो बड़ा सा जो तालाब था, तो उसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, ईंटें थी, क्योंकि वहां पकी ईंटों के प्रमाण मिले हैं और साथ में प्लास्टर का भी इसमें इस्तेमाल हुआ। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर जो है वो चार पोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद जो है इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो देखिए जिस तरीके से जो है वो आज स्विमिंग पूल हम देखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ही समझ लीजिए कि वो जो है विशाल स्नानागार बनाया गया था बहुत ही अच्छे तरीके से। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, तो अग्निकुंड के प्रमाण मिले, तो इससे ये पता लगा कि हाँ ये लोग जो है वो पूजा पाठ भी करते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले, यानी जहां पर जो है भंडार यानी स्टोर किया जाता होगा अनाज को, ठीक, कहां पर मिला, हड़प्पा में मिला, मोहनजोदड़ो में और लोथल में मिला, और इसके अलावा कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आप लोगों के लिए है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ये देखिए, ये नगर जो है वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मुहरें, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले। अब ये कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। जब देखिए यहाँ पर बांट मिला वो पत्थर का मिला, ठीक है, मोहरे मिली, मनके मिले, यहाँ पर जो है वो तांबे के उपकरण मिले और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड मिले, ठीक है। बर्तन किसके मिले, तो बर्तन जो है वो मिट्टी के जो है वो बर्तन मिले, लाल बर्तन जिन पर जो है वो काले रंग के चित्र बने हुए थे। सारी लाइनें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर देखिए मानचित्र 3 उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हड़प्पा पढ़ा हमने, दूसरा हमने क्या पढ़ा, मोहनजोदड़ो पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा भी जो आरंभिक नगर थे तो यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जहाँ नदी होगी वहां पर नगर जो है वो बसे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ठीक है, और सिंधु नदी के जो सहायक नदियां हैं इनके आसपास जो है ये नगरीय व्यवस्था देखने को मिली। और यहाँ पर देखिए आरंभिक नगर राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, ठीक है, राजस्थान में है, गमेरी वाला है, चनोदड़ो है, यहाँ पर नीचे देखिए धौलावीरा है, सुरकोटड़ा है, तो ये जो है गुजरात में मिले। लोथल, लोथल जो कि एक बंदरगाह था ये भी हमें गुजरात में मिला। सोतकाको, ठीक है, तो ये सभी जो आरंभिक नगर थे इस उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर थे। तो चलिए, अभी तक हमने दो के बारे में ही पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है हड़प्पा के बारे में और दूसरा हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है, तो कितना अच्छा जो चित्र जो है वो बनाया गया है। ये क्या है, ये वो विशाल स्नानागार है जिसमें बताया गया कि ये देखिए यहाँ पर जो है वो सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो पानी भरा रहता होगा और इस सीढ़ियों से जो है वो उतर कर यहाँ पर जो है स्नान किया जाता होगा। कितने अच्छे तरीके से जो बनी हुई है, ईंटें दिखाई दे रही हमें, तो ये ईंटें जो है वो पक्की ईंटें थी। कहाँ पर ये जो है हमें मोहनजोदड़ो में मिला ये विशाल स्नानागार। अब देखिए इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने जो कितना दिमाग लगाकर जो है ये इस चीज का निर्माण किया होगा। ठीक है, जिस तरीके से आधुनिक में हम देखते हैं, भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। तो घर जो है वो यहाँ पर हमें दो मंजिला मिले हैं। ठीक है, अधिकतर हमें जो है वो दो मंजिला मिले हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, गांव में अभी भी यही है। ठीक है, ये जो आंगन होता है तो इसके जो है वो चारों तरफ जो है, चाहे घर हो चाहे किचन हो, ठीक है, इस तरीके से जो है वो बनाए जाते हैं। इस तरीके से जो है वो ये जो होता है ना, ये इसको जो आंगन बोलते हैं, तो ये जो है आंगन इस तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, तो अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इस तरीके से आंगन बनते थे, कमरे चारों तरफ बनते थे, संयुक्त परिवार व्यवस्था होती थी उस टाइम भी, और गांवों में अभी भी हम देखते हैं इस तरीके की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ईंटों की चिनाई कर रहा है, यानी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट जो है वो रख कर जो है इस तरीके से जो है एक, इसको क्या बोल रहे हैं, चिनाई करना। तो अभी मैंने आपको चिनाई शब्द जो है वो बता दिया था, वो पलस्तर होता है। ठीक है, वो मैंने आपको गलत बता दिया था। यहाँ देखिए चिनाई जो है वो ये होती है, यानी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखना सीमेंट की सहायता से जो है, जिससे कि ये ईंटें जो है वो आप समझ रहे होंगे, जिससे कि ईंटें जो है वो यहाँ से जुड़ी रहे, तो इसको बोलते हैं चिनाई करना। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। ठीक है, अब ये लाइन जो है वो देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कई नगरों में ढके हुए नाले, यानी यहाँ पर जो नालों की व्यवस्था थी वो भी कैसी थी, ढके हुए थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है वो क्या हो सके, धीरे धीरे जो है वो आगे की तरफ जो है वो यहाँ पर जो है वो बहता रहे। ठीक है, रुके नहीं। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, यानी कि गंदगी जो है वहां पर बिल्कुल भी ना टिक सके, इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। ठीक है, हम अभी घरों में देखते हैं कि घरों में भी ऐसा ही होता है, यानी कि जो किचन होती है, किचन में भी हम देखते हैं कि एक जो है वो होल सा बना होता है। ठीक है, और जब हम बाथरूम देखते हैं, बाथरूम में भी एक हॉल सा बना होता है। तो ये जो हॉल है ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो है वो मेन हॉल में जो है वो जाकर खुलता था। ठीक है, और घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था।
नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के कौन थे, शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें जो है वो मंगवाते होंगे। अब जो शासक होते होंगे उनके पास ही जो है वो धन होता था, तो वही जो है इस कार्य में रुचि लेते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। जो लिपिक कौन होते हैं? जो पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ठीक है, तो लिखावट जो है वो मिली है। किस पे मिली है? मोहरों पर मिली है। ठीक है, लेकिन ऐसी लिखावट जिसको पढ़ा नहीं गया, जो कि अज्ञात थी, जो कि समझ में नहीं आई। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग जो है लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे, यानी मनोरंजन के साधन भी मिले हैं। मकान भी इतने अच्छे जो है वो तरीके से बनाए हुए मिले हैं। लोग जहाँ लंबी लंबी यात्राएं करते थे तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है अपनी वस्तुओं को लेकर भी जाते होंगे, वहां से लाते भी होंगे, यानी व्यापार जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, और ऊपर जो है एक कुआं है, बाई और नीचे हड़प्पा की एक जो है वो मोहर मिली है। मोहर हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो की जो है मेन सड़क। ठीक है, तो ये जो है मेन सड़क है, और यहाँ पर जो भी गंदा पानी होता था मकानों का निकल कर जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है वो बह बह कर जो है वो बड़े ये जो मेन होल होता था इसमें आकर जो है वो गिरता था। ठीक है, और उसके बाद जो है हड़प्पा की जो है मोहर मिली है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह जो है एक खास लिपि में है। यहाँ पर देखिए ये जो है एक लिपि है। आज के हमें ये समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाई और नीचे पकी मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तो यहाँ पर जो है पकी मिट्टी के जो है खिलौने मिले थे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है एक जानवर का चित्र जो है वो मोहर पर हमें जो दिखाई दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो है क्या है, एक सींग वाला जो है वो गेंडा है। ठीक है, इसका जो एक सींग आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये लोग जो है इससे परिचित थे, तभी इन्होंने जो है इस पर कीर्ण करवाया होगा। ठीक है, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, ठीक है ये तो आपको ध्यान में रहता है, सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार बनते थे, हथियार, गहने बनते थे और बर्तन बनते थे। सोने और चांदी से जो है गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो ये जो है जो भी पदार्थ धातु जो है ये आप याद रखें कि उस समय जो है वो पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी, ठीक है इससे जो है वो धातुओं से वो कई तरीके की जो है चीजें बनाई जाती थी। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक थे। ठीक है, मनके जिससे जो है सुंदर सुंदर जो है गले के हार हैं, ठीक है कानों के जो कुंडल टाइप के हैं वो बनाए जाते थे, और बांट जो होते थे, बांट तो आप सभी जानते हैं कि हम मार्केट में यदि कोई भी वस्तु लेने जाते हैं तो एक तरफ जो है वो तराजू में जो है हमें तौल कर जो दिया जाता है सामान हम लेते हैं वो इसमें होता है, और दूसरी तरफ जो है वो बांट होते हैं। ठीक है, एक किलो की वस्तु तौलने के लिए एक किलो का बांट होता है, दो किलो की वस्तु तौलने के लिए दो किलो का, पाँच किलो की तौलने के लिए पाँच किलो का बांट होता है। तो ये जो चित्र देखिए यहाँ पर फलक है, मान लीजिए कि ये जो है उन्होंने अंदाजे से जो है ये बनाया होगा बांट, और इसको जो है नाम दे दिया होगा कि एक किलो की यदि कोई वस्तु है जो है वो तौली जाएगी तो इसको प्रयोग में लाया जाएगा, पाँच के जी की यदि तौली जाएगी तो इसको प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है व्यापार होता था तो इसका मतलब चीज़ों की खरीदा बेची तो की ही जाती होगी। तो पत्थर के बांट देखिए कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। तो जो पत्थर के जो बांट बनाए जाते थे इनका उपयोग किसमें लाया जाता था? बहुमूल्य पदार्थ और धातुओं को तौलने में इनका प्रयोग किया जाता था।
मध्य में बाएं मन के, ये जो है मन के, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किया गया था ताकि धागा डालकर जो है वो क्या बनाई जा सके, माला बनाई जा सके। उसके बाद है मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, पत्थर के फलक हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र के जो है प्रमाण हमें मिले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक जो कढ़ाईदार वस्त्र जो है, यहाँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है, इस मूर्ति की बात हो रही है। और ये हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा आपका कि कौन से स्थल से हमें कढ़ाईदार वस्त्र मिले हैं, ठीक है। तो ये जो चित्र जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो है दिख रहा है आपको खुद ही साफ साफ कि ये जो है वो कढ़ाईदार वस्त्र जो इस तरीके से फूल जो है वो बनाए गए होंगे, ठीक है। तो वहाँ उस वक्त भी लोग जो है वो इन चीज़ों को बहुत महत्व देते थे, और मतलब अच्छे तरीके से जो है रहना ये सब वो जानते थे। और ये देखिए पत्थर की मूर्ति में ये जो व्यक्ति है, तो अच्छे तरीके से देखिए जो दाढ़ी जो है वो बिल्कुल एकदम कटिंग करके जो है अच्छे तरीके से जो है रखी गई है, ठीक है। मूंछ जो है वो रखी गई है, यानी कि साज सज्जा जो है वो भी उस वक्त प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। मैंने आपको चित्र दिखाया था, जानवर के जो चित्र है वो था, ऊपर जो है कोई लिपि जो है वो अंकित थी। इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो मिट्टी के बर्तन, पत्थर की मूर्तियां, ये हमें यहाँ से मिली हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो है वो विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे कि पत्थर को तराशना है, मन के जो है चमकाना है, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना है, ठीक है आदि। पृष्ठ 28 पर देखिए मूर्ति का चित्र कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। अभी हमने जो चित्र देखा था पत्थर की जो मूर्ति है, तो उसकी जो दाढ़ी है कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, यानी उस वक्त जो है वो मूर्तिकार अच्छी अच्छी जो है वो मूर्तियां बनाते थे। तो मूर्ति भी मूर्तिकार कब बनाएगा, जब लोग उस तरीके से रहते होंगे, ठीक है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, हमें ये पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो क्या कोई ऐसा काम था जिसमें महिलाएं और पुरुष जो है वो दोनों काम में जो है काम करते थे? तो बिल्कुल वहां उस वक्त ऐसे काम होते थे। तो फियंस हमने शब्द पढ़ा, फियंस क्या होता है? तो ये जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, ठीक है। मान आप समझिए जो क्ले होती है, यानी मिट्टी का ही एक रूप होता है जिससे कई चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। फूलदान जो है वो बनाया जाता है, फ्लावर पॉट बनाया जाता है हम देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है बाउल बनाते हैं, यानी कि जो भी चीजें उस मिट्टी से बनाई जा सकती हैं बना सकते हैं। इसी तरीके से जो है ये होता है फियंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, हमें पता है पत्थर और शंख जो है ये तो प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं, लेकिन फियंस जो है इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कैसे बनता था फियंस? बालू और स्फटिक पत्थरों का जो चून है इसको गोंद में मिलाकर जो है इस तरीके का मिट्टी जो है वो बनाई जाती थी, ठीक है। और इनसे जो है वो कोई भी वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फियंस से मनके बनते थे, चूड़ियां बनती थी, बाले बनती थी, और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। तो ये फियंस जो है वो बिल्कुल भी अटपटा शब्द ना समझें, यही समझें कि एक मिट्टी का एक रूप है और इस मिट्टी को भी जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया, ठीक है। किससे बनाया गया? इसमें प्रयोग जो है वो बालू का हुआ है, स्फटिक पत्थर जो होते हैं ना इनके चूर्ण का प्रयोग हुआ है, इनको लेकर जो है इसमें गोंद के साथ जो है इसको मिलाया गया, ठीक है। और मिला के फिर जो है वो विभिन्न तरीके की वस्तुएं बनाई गई, और इनको और सुंदर बनाने के लिए इन पर जो है वो एक चिकनी परत जो है वो चढ़ाई जाती थी, और फिर इससे जो है वो कई वस्तुएं बनाई जाती थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, वो एक नगरीय जो सभ्यता थी, ठीक है। और नगरों का निर्माण जो है वो हमने देखा किस तरीके से हुआ, किस तरीके से जो है बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में जो है वो बनाया गया था। इसके अलावा बहुत सारी हमने चीजें देखी, पक्की ईंटों से जो है वो मकान निर्मित होते थे, दो मंजिला इमारत होती थी। इसके अलावा ये लोग जो है इनका जो मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था, ठीक है। और व्यापार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कच्चा माल,
ठीक है, तो वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जिन वस्तुओं को ये लोग निर्मित कर लेते थे तो वो क्या होती थी, पक्का माल। इसको जो है वो दूसरे जगह जाकर जो है वो उनका क्या करते थे, निर्यात करते थे, यानी उनको वहां जाकर बेचते थे, ठीक है। और कुछ वस्तुएं जो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती थी तो उनका क्या करते थे, उनका करते थे आयात, ठीक है। आयात यानी कि चीजों को लेकर आना, वस्तुएं खरीद कर लेकर आना। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। तो कच्चा माल क्या होता है, जिससे कि वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई। लकड़ी से जो है वो हमें क्या बना हुआ मिलता है, फर्नीचर। हम घरों में देखते हैं फर्नीचर मिला बना होता है, जैसे दरवाजे हैं, खिड़की हैं, ठीक है, सोफा है, बेड है। तो ये सब क्या है, ये पक्का माल है। और इसके लिए कच्चा माल क्या था, लकड़ी। या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। धातुओं में जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं लोहा, उस वक्त तो लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन वर्तमान में जो लोहा है तो लोहा हम देखते हैं किन किन कामों में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो धातुओं में लोहा जो है वो कच्चा माल हो गई, इससे निर्मित जो चीजें होंगी वो पक्का माल हो गई। इनमें फिर कई तरीके की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किया गया जो कपास है, अब ये कपास जो है वो कच्चा माल है, और इससे बाद में जो है कताई बुनाई जो है करके कपड़ा तैयार किया जाता था, ठीक है। तो कपास जो है वो कच्चा माल हो गया और कपड़ा जो तैयार हो गया वो पक्का माल हो गया। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं पर मिल जाती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पदार्थ जैसे, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का भी दूर दूर से क्या करते थे, आयात करते थे, ठीक है। उसके लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते होंगे। तो तांबे का जो आयात जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में जो खेतड़ी जगह है हम देखते हैं राजस्थान में, तो वहां तांबा बहुतायत तो मिलता है। तो राजस्थान से ही जो है वो हड़प्पा के लोग यहाँ से लेकर जाते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश जो है ओमान, यहाँ से भी तांबे का आयात तो किया जाता था। तो इम्पोर्टेंट लाइन है एग्जाम के लिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है तांबे का आयात कहाँ कहाँ से करते थे। तो एक तो जो है वो राजस्थान से करते थे, और दूसरा जो है वो एशियाई देश जो ओमान है यहाँ से तांबे का आयात तो किया जाता था, ठीक है। कांसा बनाने के लिए जो है तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ पर जो तांबे के साथ में जो टीन मिलाई जाती थी, तो कांसा जो है वो बनाने के लिए, कांसे की हमने देखे बहुत सारी जो है चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। तो कांसा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तांबा प्लस टीन, ठीक है। तो तांबा तो खेतड़ी राजस्थान से मिल गया, ओमान से मिल गया। अब जो है दूसरी बात क्या हो गई कि जो टीन है, टीन का जो आयात है वो कहाँ से होता था, ईरान से होता था, ठीक है, अफगानिस्तान से होता था। सोने का आयात आधुनिक जो है वो कर्नाटक है, वहां से होता था। और बहुमूल्य पदार्थों का आयात जो है वो गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से होता था। तो ये जो पैराग्राफ है ये मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, तो इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम चित्र देखेंगे, चित्र में हमें जो है वो देखकर थोड़ा अंदाजा लगेगा कि ये लोग जो है वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते थे तो कैसे जाते होंगे। तो ये इस तरीके से देखिए, ये समझ लीजिए कि बैलगाड़ी जो थी उसका प्रयोग करते होंगे, ठीक है। बैल जो था यहाँ का पशु था उस वक्त, पालते होंगे ये लोग। और इस तरीके से जो दिखाई दे रही है जो खिलौना के रूप में, इसका मतलब बैलगाड़ी भी होती होगी, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह ये जाते होंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो एक मोहर है, मोहर जो है ये मोहर है, ठीक है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, जो नगर में जो लोग रहते थे भोजन क्या करते थे, किन किन जो है चीजों का प्रयोग करते थे खाने में। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, हालांकि नगरीय व्यवस्था थी लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो गांव में रहा करते थे। और जो गांव में रहते हैं ग्रामीण लोग जो होते हैं, नगरों वाले तो व्यापार करते थे, लेकिन गांव में रहने वाले क्या करते होंगे, खेती करते होंगे, पशुपालन करते होंगे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो कृषि भी होती थी, ठीक है, ये हमने देखा। पशुपालन भी होता था, पशुओं के जो है वो हमने मोहरों पर चित्र देखे, ठीक है, और व्यापार भी होता था। लेकिन यदि मुख्य रूप से पूछा जाए एग्जाम में, तो हमें यहाँ पर व्यापार कर वहां पर सही आंसर करना होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप याद रखिएगा। लोग नगरों के अलावा जो है वो
गांव में रहते थे, वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो हैं कौन कौन सी फसलें उगाते थे। गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। यदि सिंधु घाटी सभ्यता को आपको समझना है तो जो आधुनिक समय है बिल्कुल इससे कंपेयर करके चलें, आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगी। जैसे आज लोग नगरों में ज्यादा निवास करते हैं, गांवों में कम, उसी तरीके से जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, वहां की दशा थी। ठीक है, यहाँ पर आज जो है वो गेहूं, जो दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, इसके अलावा भी कई जो है चीजें उगाते हैं गाँव में, तो उस वक्त भी ये चीजें होती थी। व्यापार जो है आजकल बहुत चरम सीमा पर है, उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में था। ठीक है, मकान जो है वो अब पक्के हैं, उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में थे। तो बिल्कुल हमें जो है आधुनिक समय की जो सभ्यता है उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देती थी। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान जो है वो पुरुष होते हैं, महिलाएं तो नहीं होती हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, यानी हड़प्पा में ये नहीं पता लग पाया है कि उस वक्त भी जो है वो पुरुष ही केवल हल चलाते थे या महिलाएं भी चलाती थी। इतना पता लगता है कि वो लोग भी जो है वो कृषि करने के लिए हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। अब लकड़ी के बनाए जाते थे तो लकड़ी हम देखते हैं कई वर्षों तक पड़ी रहती है तो उसमें जो है कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, तो ये समाप्त हो गई होगी। हल के आकार के खिलौने मिले हैं तो इससे पता लगाया जा सकता है वो लोग हल प्रयोग में लेते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग जो है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चरगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में जो है दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे जो है बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। गुजरात में हड़प्पा काली नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो गुजरात में भी जो है वो हड़प्पा कालीन नगर हमें मिले, हमने मैप में भी देखा था। तो कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, वहां साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ भी थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर जो है वो दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर जो है वो तीन भागों में विभक्त था। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट लाइन हो गई कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो जहां पर नगर दो भागों में बटे हुए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जो है वो पश्चिमी जो है टीला था, पश्चिमी जो है वो नगर था, इसको जो है नगर दुर्ग कहा गया, ऊंचाई पर बना हुआ था। ठीक है, छोटा था, और यहाँ पर जो है जो कि पूर्वी टीला था जो बड़ा था, और इसको जो है निचला नगर कहा गया था। यहाँ पर जो है अहम लोग रहते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पर्सन थे वो रहते थे, और यहाँ पर जो है वो आम जनता निवास करती थी। लेकिन धौलावीरा एक नगर था जहां पर जो है यहाँ नगर जो है वो तीन भागों में बटे हुए थे। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो यहाँ पर तीन भागों में थे, ठीक है, तीन भागों में नगर थे। तो यहाँ जो भी भाग था उस में जो है हर हिस्से के जो है वो चारों तरफ पत्थर की जो है ऊंची ऊंची दीवारें जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो ऊंचाई पर बना हुआ था पश्चिमी नगर, यही जो है वो दुर्गीकृत था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे जो है बसा लोथल नगर, ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है, अब हमने जो है धौलावीरा के बारे में देखा। महत्वपूर्ण लाइन क्या रही उसमें कि वहां पर नगर जो है तीन भागों में
बटा हुआ था, वो इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। गुजरात में है धोलावीरा, गुजरात में ही दूसरा नगर जो था लोथल नगर, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन क्या रही कि यहां पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अभी इस लाइन का मतलब ही क्या है कि व्यापार की दृष्टि से लोथल जो है वो महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि यहां पर कीमती पत्थर जो है वो आसानी से जो है वो मिल जा रहा है कच्चे माल के रूप में। तो अब ये कच्चा माल जो है वो कीमती पत्थर जो है वो क्या होता होगा, यहां से निर्यात किया जाता होगा, यानी यहां से जो है दूसरे देश में जो है वो बेचा जाता रहा होगा। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। यानी कोई भी चीज जो कि जब हम देखते हैं कोई भी चीज जो है वो खरीदी जाती है, बेची जाती है, दूसरे देशों से आती है, तो इस तरीके से जो है मोहर या ठप्पा जो है वो लगा होता है, मोहरबंदी लगी होती है, ठीक है। तो वो मोहरबंदी गीली मिट्टी पर जो है वो दबाने से बनी उनकी छाप जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिली है। लोथल का बंदरगाह, यहाँ पर चित्र जो है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये गुजरात में जो नगर है लोथल, तो ये है यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से जो है वो आते होंगे लोग जो है जहाजों पर, और यहाँ पर जो है वो सामान जो है वो उतारा जाता होगा, ठीक है। कच्चा माल जो है वो यहाँ से जो है वो जाता होगा, इस तरीके से जो है वो ये हमें पता लगता है। तो यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें यहाँ रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल जो है वो चढ़ाया उतारा जाता होगा, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे कि जो समुद्र होता है उसके किनारे जो भी बसे नगर होते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है चीजें जो है वो यहाँ से क्या होती होगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो होती होंगी, उसी तरीके से वहां पर भी होता था, ठीक है। यहाँ पर एक इमारत मिली जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो लोथल के बारे में जो गुजरात में, तो उसकी दो इंपॉर्टेंट लाइन क्या हमने देखी, एक तो वहां बंदरगाह और दूसरा मनके बनाने का काम भी वहां होता था। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहर बंदी, तो देखिए मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, ठीक है, कि मोहर लगा दी, हाँ अब ये जो है वो हमारी चीज है और इस पर जो है वो हमारा जो है चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर जो है वो गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को क्या कहा जाता था, मोहर बंदी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं हुई है। बिल्कुल आज की तरह ही देख लीजिए, कोई भी चीज जो है वो हम जब हम पोस्ट करते हैं तो जब वहां जाते हैं पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो इस तरीके का जो है वो मोहर वगैरह जो है वो लगा दिया जाता है, ठीक है। और इससे ये पता लगता है कि इस व्यक्ति ने जो है यहाँ से बिल्कुल सुरक्षित भेजी है, ठीक है। और अगली जगह जो है वो जाती है तो इसी तरीके से जो है वो यदि दूसरे व्यक्ति के पास मिलती है तो वो ये बिल्कुल मान लेता है कि हाँ इसको बीच में किसी ने भी छेड़खानी नहीं की है, ठीक है। इस तरीके से जो है मोहरबंदी का प्रयोग वो लोग करते थे। सभ्यता के अंत का रहस्य, अब इतनी अच्छी सभ्यता फिर भी ये नष्ट हो गई, क्यों? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। अब अचानक क्यों छोड़ दिया, कारण रहे होंगे, लेखन, मोहर, बांटों का प्रयोग जो है वो बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, ठीक है, इतनी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर, अब यहाँ ढेर बनने लग गए। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर जो है वो बनाए जाने लगे। लोग जो है वो वहां पर छोड़ छोड़ कर जो है सड़कों के किनारे ही जो है वो अपने झुग्गी नुमा जो है वो घर जैसे तैसे बनाने लग गए, ठीक है, ताकि जो है वो जीवन निकाल सके। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अब पानी खत्म हो गया तो उस जगह पर रहने का भी क्या फायदा, तो लोग वहां से क्या करेंगे, उस जगह से दूसरी जगह जो है वो चले जाएंगे। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इनका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान जो है वो समाप्त हो गए, ठीक है, पानी खत्म हो गया, ठीक है, चारागाह घास वाले मैदान समाप्त हो गए, कुछ इलाकों में तो बाढ़ ही आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, यानी जहां पर बाढ़ आ गई वहां का तो पता लगता है कि यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ
से निकल गए होंगे, ठीक है, कहीं पर जो है वो चारागाह घास समाप्त हो गए, तो लोग जो है वो अब मवेशियों को कहां पर चराएंगे, तो वहां से भी हट गए होंगे। लेकिन सभी नगर एक साथ इनकांत हो गया क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि शासकों का जो है वो नियंत्रण समाप्त हो गया, जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां जो है वो उजड़ गई थी, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और इनके बारे में जो है वो हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अन्यत्र में जो है देखिए यहाँ पर कुछ जो है वो खोजने के लिए कहा जाता है 6th क्लास के बच्चों को। ठीक है, तो आपको भी खोजना चाहिए, अपने एटलस में मिस्र जो है ढूंढो। ठीक है, तो मिस्र जो है वो कहाँ मिलेगा हमें, अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। आप ढूंढिएगा नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो कैसा है, रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें जो है वो पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो आप भी सभी जानते हैं पिरामिड जो कि कहाँ के प्रसिद्ध हैं, मिस्र के। ठीक है, मिस्र के पिरामिड। तो ये पिरामिड जो है वो ये ट्रायंगल आकार के जो है वो बनाए जाते हैं। बनाए क्या जाते हैं कि ये जो जो भी राजा महाराजा होते थे तो उस टाइम की, तो जब वो मर जाते थे तो उनके जो शव होते थे उनको जो है वो दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर जो है एक एक करके जो है वो दफना दिए जाते थे। तो इस तरीके से जो है वो क्या बन जाता था, एक पिरामिड की तरीके से ये बन जाता था। ठीक है, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। और आप देखिए कई जो है मूवीज जो है मैंने भी देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी, तो उसमें भी हमें दिखाई देता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी कि उनकी प्रिय वस्तु जो होती थी वो भी उनके साथ दफना देते थे, जैसे कि खाद्यान्न है, पेय वस्त्र है, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर। कभी कभी शव के साथ उसके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत जो है वो खर्च किया जाता था। ठीक है, ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए हमेशा की तरह देखते हैं अभ्यास प्रश्न में क्या हम इनको हल कर पा रहे हैं। उपयोगी शब्द देखिए, नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। तो इन सभी की बात हमने की है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिनसे हम अपरिचित हैं। सबसे पहले है कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो हमने जो है पत्थर की मूर्ति जो व्यक्ति की देखी थी उसमें हमने देखा था कि वो जो व्यक्ति है वो एक बहुत ही डिजाइन वाला जो है वो वस्त्र पहने हुए था। ठीक है, जिसमें फूल की डिजाइन बनी हुई थी। ठीक है, तो वो मूर्ति से ही हमें पता लग जाता है कि कपड़े का उपयोग वो करते थे। निम्नलिखित का जो है सुमेल करें, तो तांबा, तांबा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में जो क्षेत्रीय जगह है वहां से आयात जो है किया जाता था, हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। सोना, सोना जो है वो कहाँ मिला है, कर्नाटक में मिला है। ठीक है, टीन, टीन जो है वो कहाँ पर बनाई जाती थी, कहाँ से जो है इसका आयात किया जाता था, तो इसका आयात जो है वो अफगानिस्तान से किया जाता था। और फिर हमने जो है लोथल जगह जो देखी थी तो यहाँ बहुत सारी जो है वो बहुमूल्य पत्थर मिलते थे, तो इसका निर्यात होता था गुजरात के लोथल जगह से। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप याद रखिएगा। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, तो हमने कई चीजें देख ली। धातुएं जो भी कच्चा माल के रूप में ये लोग प्रयोग में लाते थे, उनसे बहुत सारी चीजें बनाते थे। ठीक है, लेखन जो है वह भी महत्वपूर्ण रही। पहिया जो है, अब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो पहिया जो है वो चाहिए ही होगा। ठीक है, जैसे हमने वो चित्र देखा था, कैसा देखा था हमने, बैलगाड़ी जैसा खिलौनों के रूप में। हल देखा हमने, मिट्टी का हल जो है वो बना हुआ था, तो ये भी महत्वपूर्ण था क्योंकि कृषि होती होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है। महत्वपूर्ण तिथियां जो है उनको भी देखिए। मेहरगढ़ जो है उसमें कपास की खेती जो है लगभग 7000 साल पहले हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, नगरों का आरंभ जो है वो 4700 साल पहले हुआ और सबसे पहला हमने देखा हड़प्पा, फिर हमने मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत जो है 3900 साल पहले हुई, क्यों हुई हमने देख लिया, घास के मैदान जो है वो समाप्त हो गए। ठीक है, जंगल नष्ट हो गए, बाढ़ आ गई होगी। अन्य नगरों का विकास जो है वो 2500 साल पहले हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर जो है वो अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि ये जो चीजें हैं इम्पोर्टेंट नहीं है,
आप ये मानिए, बड़े से बड़े एग्जाम जो है वो मैंने देखा है, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, छोटी क्लास 6 क्लास जो है उसको कौन पढ़ेगा, उसमें हमें मिलेगा ही क्या, ऐसा सोचकर जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर जब क्वेश्चन आ जाता है तब उनके माइंड में ये रहता है ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ोगे और ये नहीं सोचोगे कि छोटी है या बड़ी है, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, अब ये टिन जो है यही पूछ लिया जाए, टिन जो है वो कहाँ से आयात किया जाता था, आप लोग जो है वो सोचते रह जाओगे, ये सोचोगे हमने तो पढ़ाई ही नहीं है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी आपको ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो हर चीज इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।